तो दोस्तों क्या हाल चाल है, एक और नई गेम प्ले वीडियो में पीएसएस गेमर की। तो गाइस मैं इतने खुशकिस्मती से बोल तो रहा हूँ, लेकिन गाइस मैं इतना खुश हूँ भी क्या? नहीं यार, मैं पुलिस की जॉब कर करके ना इतना ज्यादा ऊब चुका हूँ कि मैं क्या ही बोलूँ। लेकिन कोई बात नहीं यार, अब ड्यूटी निभानी पड़ेगी। जब करिए तो वो एक गाना है ना कि कर वो वादा किया तो निभाना पड़ेगा, तो गाइस वो ही चक्कर है। गुड मॉर्निंग फ्रैंकलिन सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। लेकिन गाइस अब मैं अपने घर तो आ चुका हूँ, लेकिन यार घर पे ना मैं इन गाड़ियों को देख देख के ना ऊब चुका हूँ। अब यार मेरे पास इंडिया की कलेक्शन इतनी ज्यादा कम हो रखी है कि मेरे पास फॉर्च्यूनर लेजेंडर और ये अपनी स्कॉर्पियो क्लासिक और अपनी थार रखी हुई है। अब इन दोनों की, इन तीनों की शक्ल देख देख के मैं हर रोज उबता रहता हूँ और अपनी किस्मत को कोसता रहता हूँ कि यार मेरे पास कोई नई गाड़ी कभी आएगी नहीं आएगी। अब यार मैं क्या करूँ क्या करूँ ऑफिसर, तू ही बताओ ऑफिसर। अरे सर मैं बोलता हूँ आपके पास बहुत सारा पैसा रखा है, नहीं तो आप जाइए और एक और बार पैसा जमा कर, मतलब पैसा लिए कहीं से और सर गाड़ी ले आइए कोई सी नई सी। अच्छा ऐसी बात है क्या? तो गाइस मुझे लगता है आज मुझे कोई रेस में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और जिसका पैसा मुझे मिलेगा और उससे मैं एक और नई इंडियन कार लेने के लिए सोचूंगा। तो शिनचैन को मैं बुला लेता हूँ। शिनचैन तू किधर है भाई, आता है नहीं आता है, नहीं तो जाता है तो भाई जा फिर, तेरी ऐसी की तैसी। बोलो 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 काय बात को रोला पा रही हो। अबे यार मैं ये कह रहा था शिनचैन, मैं इन तीनों गाड़ियों को देख देख के ऊब गया हूँ यार। अब मुझे यार कोई सा कहीं से मुझे यार अर्जेंटली पैसा चाहिए और मुझे यार इन सबसे भी अच्छी गाड़ी लेकर के आनी है। क्या इन सबसे भी अच्छी गाड़ी? हाँ कौन सी गाड़ी होनी चाहिए, कौन सी गाड़ी होनी चाहिए। तो गाइस मैंने यार काफी देर एनालाइज किया और मैंने देखा कि मेरे पास महिंद्रा की दो गाड़ियां हैं और गाइस मेरे पास टोयोटा की एक गाड़ी है फॉर्च्यूनर, लेकिन गाइस मेरे पास तो हुंडई की कोई गाड़ी ही नहीं है। अरे वैसे तो मारुति सुजुकी की भी नहीं है, टाटा की भी नहीं है। अरे लेकिन यार वो बात की बात है, लेकिन यार मेरे पास यार हुंडई की कोई गाड़ी नहीं है। तो गाइस यार मैं निकल जाता हूँ हुंडई की गाड़ी लेने के लिए। तो फ्रैंकलिन भैया लेकिन उससे पहले पैसा भी तो जरूरी होता है। तो शिनचैन यार पैसा तो जरूरी है, लेकिन कोई बात नहीं यार हम ईएमआई की बात करके आ जाएंगे, ईएमआई पे ले लेंगे ना। अरे यार थार लेकर के जाओगे तो यार कोई भी व्यक्ति, यार एक गोली दिखाओगे कोई भी व्यक्ति दे देगा आपको गाड़ी। बकवास कम कर शिनचैन, मैं यार ऐसा गुंडेगर्दी वाला काम नहीं करने वाला। तो गाइस पहले हम चलते हैं हुंडई के शोरूम पे, वहां पे गाड़ी देख तो ले कि कौन कौन सी गाड़ी हम लोगों पे ऑप्शन अवेलेबल है, मतलब हमारा कितना प्राइस होगा। अबे डाउन पेमेंट पे देके आएंगे ना, और मेरी सैलरी से यार किस्तें कटती रहेंगी शिनचैन। और मेरे पास इस टाइम पे गाइस 2 लाख है, 2 लाख में तो कोई सी भी गाड़ी हम लोग डाउन पेमेंट पे ले आएंगे। यार फुल कैश के लेकर के आने की तो यार हम लोगों की औकात ही नहीं रही। अरे यार हमारे पे सारा पैसा था, वो सब एग्जॉस्ट हो गया। और क्या यार, ये वाला मेंशन लेने पे एग्जॉस्ट हो गया, अब करे तो करे क्या गाइस। अब यार नई गाड़ी के लिए सिर्फ हमारे पास 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट के पैसे रखे हुए हैं और बाकी सारे पैसे किस्तों में जाएंगे। तो आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, हम पहुंचने वाले हैं अपने यार हुंडई के शोरूम पे। काफी देर की मशक्कतों के बाद और इतना रास्ता कंप्लीट करने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं हुंडई के शोरूम पे। और भाई हुंडई के शोरूम में सिक्योरिटी नहीं है, नया खुला है लगता है। ओए हुंडई के शोरूम में थार का गुस्सा आ रही है। अरे भाई हम लोग गाड़ी लेने के लिए आए हैं। ओहो फ्रैंकलिन सर पुलिस ऑफिसर। हाँ बोलिए सर बोलिए। अरे भाई आज तो मोटी पार्टी आई है, 2 गाड़ी तो लेकर ही जाएंगे। नहीं नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है। अरे भाई मुझे कोई हुंडई की गाड़ी चाहिए जो कि यार मेरे बजट में आ जाए। सर क्या बजट है आपका? वैसे आप गाड़ी पसंद कर लीजिए, सारी आपके बजट में आ जाएगी, 10-15 लाख के बजट में सारी गाड़ी आएंगी। क्या? अरे यार ये तो हुंडई की क्रेटा है। हुंडई की क्रेटा है, लेकिन मेरी फेवरेट तो गाइस हुंडई की वरना है जो यार ब्लैक कलर में बड़ी चमचमाती हुई अच्छी लग रही है। सर ये गाड़ी आपको पड़ेगी 12 लाख रुपए में। यार हुंडई का तो नया मॉडल आ गया है वो वरना का, तो तुम यार ये पुराना क्यों दे रहे हो? सर क्या करें लॉस सेंटर्स में अभी पुराना ही मॉडल चल रहा है। अच्छा चलो कोई बात नहीं। और ये है हुंडई की ग्रैंड आइटन न्यूज जो की बहुत ज्यादा अच्छी और कॉम्पैक्ट है। ये मेरे लिए ले लो ना छोटी सी गाड़ी। शिनचैन एक यार एक गाड़ी का पैसा नहीं है हम लोगों पे अफोर्ड करने का, और तू यार दो दो गाड़ी की बात कर रहा है। अरे और नहीं तो क्या। अरे सुनो भाई मेरे को यार ये वरना चाहिए। अच्छा सर बताइए आप कैश करेंगे कैसे, कितना कैश देंगे आप? अरे यार कैश की तो बात ये है, मैं बता दो फ्रैंकलिन भैया बता दो। अरे भाई मैं 2 लाख रुपए मेरे पास है डाउन पेमेंट के लिए। हैं मैं तो समझ रहा था कि मोटी पार्टी है, मैं तो खामोखा ट्रीट कर रहा था अच्छे से। अरे ओ भाई गाड़ी देता हो तो बता, नहीं तो यार भाड़ में जा। अरे हुंडई का शोरूम एक ही है लॉस सैंटोस में, पता हो तो हमसे बदतमीजी मत करिए सर। कोई भी ले लीजिए 2 लाख है, बाकी लोन करवा देंगे आपका। यार शिनचैन अगर मैंने ईएमआई के नाम नहीं लेता यार मेरे को तो यार बहुत ज्यादा बदनाम कर रहा है। हाँ बदनाम नहीं करूंगा सर आप यार क्या। अरे पहले यार मेरे को टेस्ट ड्राइव करवा दो। कौन सी गाड़ी की भाई? मुझे वरना की टेस्ट ड्राइव करवा दो यार। ठीक है करवाते हैं करवाते हैं। अरे फेंकली भैया वरना की टेस्ट ड्राइव ले लो। हाँ हाँ करवाते हैं अभी करवाते हैं।
लीजिए सर, आपके लिए टेस्ट ड्राइव के लिए गाड़ी निकलवा दी है। अबे शिंचन आ जा भाई, टेस्ट ड्राइव के लिए गाड़ी निकल चुकी है। अरे यार अब तो और ज्यादा मजा आएगा। सर आप लोग कंफर्टेबल सीट वो फील करिए। हाँ भाई सर, जब तक मैं आपके लोन का कार्यक्रम करता हूँ। अरे अभी तो टेस्ट ड्राइव ले रहा हूँ मैं। सर किस बात की देरी है, आप कर दो ना, इसमें सनरूफ वर्किंग है। अरे क्यों नहीं वर्किंग है सर, देखो सब खुलता है। ओ भाई साहब, शिंचन सनरूफ भी वर्किंग कंडीशन की है। अरे यार मजा आ जाएगा, चलाओ तो सही। ओके तो गाइस, और हम लोग वर्ना की फर्स्ट ड्राइव कर रहे हैं, तो आप लोगों को कैसी लग रही है कमेंट करके बताओ। कि आपका भाई पुलिस ऑफिसर तो है, तो गाइस उसके पास ये वर्ना गाड़ी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। लेकिन गाइस हम लोगों को इसकी किस्तें भी चुकानी पड़ेगी। सर अगर आप इस गाड़ी को लेते हो 2 लाख की डाउन पेमेंट करके, तो गाइस सर आपको इसकी किस्तें चुकानी पड़ेगी 45,000 रुपीज पर मंथ। क्या और क्या सर, पूरे 4 साल के लिए 45,000 रुपीज पर मंथ। अबे शिंचन कहाँ से? अरे यार इतनी तो सैलरी है। अबे यार कर लेंगे फ्रेंकली भैया। अबे रुक जा यार, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और अगर मैं इसका लोन जल्दी पटा दूँ तो? सर वो और अच्छी बात है, लेकिन आपको कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे 5 किलोज के। अच्छा हाँ जी सर जी। इसकी हाई स्पीड? सर जब खरीद लो ना तब हाई स्पीड टेस्ट कर लेना, अभी नहीं। ठीक है सर, आप बताइए पक्की है क्या? हाँ भाई पक्की है। हाँ जी सर जी, तो आपके हम पेपर्स फाइनल कर देते हैं और आपकी डिलीवरी करवा देते हैं। डिलीवरी क्या? अरे सर हाँ, मतलब इधर ही खड़ी हो गए, आपकी गाड़ी अच्छी तरीके से रेडी कर देते सजा सजा के। हाँ भाई हाँ। ओके तो गाइस यार ये गाड़ी को हम लोग फाइनल करते हैं। और भाई थार को क्या करें? अरे यार सर थार हम भिजवा देंगे, हमारा ड्राइवर ना आज शाम को उस रास्ते पे आएगा आपकी लोकेशन पे, तो हम छुड़वा देंगे। ठीक है भाई ठीक है, तो गाइस वरना अपनी हुई आज। कॉन्ग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन, सर आपकी गाड़ी हमने तैयार कर दी है। ओके सो गाइस फाइनली यार कितनी बढ़िया तरीके से हमारी गाड़ी तैयार हो गई है। अरे फ्रेंकली भैया चले अब, मैं तो पीछे बैठूंगा पूरे फील लूंगा। अरे ऑफिसर वो क्या बोलते, भिजवा देना यार मेरी थार। हाँ सर अच्छे से भिजवा देंगे। ओके सर कॉन्ग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन। ओके सो गाइस सर देख सकते हो अपनी वर्ना की डिलीवरी हो चुकी है। गाइस वर्ना की डिलीवरी आपके भाई ने ले ली। आप देखो हमारे पास जो थार की जो गाड़ियां थी, थार थी, फॉर्च्यूनर थी, महिंद्रा की 2 गाड़ियां थी। तो गाइस यार अब देखो हमारे पे एक होंडे की भी कार हो चुकी है, जो कि एक सेडान है। और अगर आप लोग कहोगे क्रेटा लेने को, तो गाइस यार हमें बजट बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन हम फिर भी ले लेंगे शिंचन। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि यार इस गाड़ी की यार वो पूरी क्या बोलते हैं पूरी कीमत चुकानी पड़ेगी यार। थैंक्यू भैया। हाँ यार अब यार वो किस्तों की टेंशन बढ़ी हुई है, लेकिन शिंचन हम लोग तो किस्तों पे जीने वाले है ही नहीं। तो फ्रेंकली भैया करने के वाले हो? आजा भाई इसी गाड़ी से कमा करके इसी गाड़ी की पेमेंट करेंगे। क्या और क्या भाई, इसी गाड़ी से कमा करके इसी गाड़ी की पेमेंट करेंगे। तो चलो भाई हम लोग निकल पड़ते हैं रेस करने के लिए। अरे वाह, वहां से रेस से जितना भी पैसे जीतेंगे और ये गाड़ी फिर वो क्या बोलते हैं ये गाड़ी उतने मतलब भुगतान हो जाएगा। और क्या तो गाइस हुआ ना भाई अच्छा खासा चैलेंज। आप लोग जल्दी से फर्राटेदार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। लेकर के चलता हूँ मैं इस गाड़ी को अच्छी तरीके से। चले चले फिर भैया। तो काफी मशक्कत के बाद आपका इंस्पेक्टर भाई पहुंच गया है अभी यार रेस करने के लिए। लेकिन गाइस सारी कार रेस आज बंद है, आज गाइस कोई भी कार रेस नहीं होनी। और गाइस हम लोगों को पैसा आज ही चाहिए, नहीं तो मेरे को रात को नींद नहीं आएगी, इस गाड़ी की पेमेंट जरूर जो करनी है। तो इसलिए हम लोग आ गए हैं वाटर रेस के लिए। अरे मतलब यार वाटर पोर्ट रेस के लिए? हाँ भाई हाँ। अरे एक जगह खाली है फ्रेंकली सर, आप आना चाहते हो? आऊंगा भाई आऊंगा सर, तो आ जाइए। शिंचन तू इस गाड़ी का ख्याल रख, ठीक है फ्रेंकली भैया। ओ भाई जीतने वाले को कितना इनाम है? सर 50 लाख रुपए। गाड़ी है 20 लाख की, 2 लाख की डाउन पेमेंट कर दी, तो गाइस मतलब 18 लाख रुपए, बस 18 लाख रुपए देने, बाकी के गाइस मेरे को 32 लाख रुपीज बचेंगे। फ्रेंकली सर रेस करना चाहते हैं? हाँ भाई करना चाहता हूँ, क्यों नहीं करना चाहता हूँ। हाँ सर आ जाइए सर, फिर रेस करते हैं। तो गाइस रेस में एंटर कर चुके हैं अपन लोग। और भाई यार इतने सारे लोग हैं। सर अगर आप हारते हो तो आपने जो 4 लाख रुपए रजिस्ट्रेशन अमाउंट दिए वो भी आपकी जाएगी। क्या और क्या सर जी, ये बात का ध्यान रखना। फ्रेंकली भैया मतलब यार आ रही है पार का खेल, अब तो जीतना जरूरी बनता है। भाई जीतेंगे जरूर सर, आप ऐसे नहीं जीत सकते। क्यों नहीं जीतूंगा भाई, मैं रेस जीतने का मतलब है टैकल करके जीतने का, बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से। तो गाइस आपका पुलिस वायर रेस जीतने के लिए आप पूरी मशक्कतों से लगा पड़ा है, क्योंकि गाइस हम लोगों के पास वरना आ चुकी है। अरे यार वरना आई है, बहुत ज्यादा मजेदार बात हो गई है। तो गाइस अपना वरना यार हम लोगों को अपने हाथ में करनी है। और भाई यार देख सकते हो मैंने यार क्या यार इसको मिस कर दिया।
शिट यार फ्रैंकली भैया स्पीड में कर लो गड़बड़ हो जाएगी। अबे यार मेरे को गड़बड़ ही लग रही है गाइस कुछ, मैं यार वापस लास्ट पे आ चुका हूँ गाइस देख सकते हो यार, मुझे ये रेस किसी भी हाल में जीतनी है। अरे तो जीतो ना फ्रैंकली भैया, पर ऐसे कैसे जीत पाओगे? अबे रुक जा भाई, कोशिश जा रही है गाइस। ओके फाइनली गाइस मैं इतना आगे आ चुका हूँ, अभी मेरे को रेस जीतनी है अच्छी तरीके से। फ्रैंकली भैया वो लोग आगे निकल रखे हैं, आप यार हार जाओगे? हारूंगा तो नहीं शिंचन, ऐसी तो नहीं हारूंगा मैं। फ्रैंकली भैया तो जीत भी नहीं रहे हो। फ्रैंकली भैया जल्दी। हाँ भाई हाँ ओके। अरे अरे फ्रैंकली सर आप तो हारोगे आप। अच्छा बेटा हार के जीतने वाले को बाजीगर बोलते हैं फ्रैंकली भैया, लेकिन आप तो फुस हो गए। चुप बैठ शिंचन, कोशिश मैं पूरी कर रहा हूँ। ओके गाइस पूरी गिराने की पूरी कोशिश की गई है। अरे फ्रैंकली भैया आपने लैब पीछे छोड़ दिया। गाइस मुझे जीतना है यार। अरे अरे फ्रैंकली सर कैसे जीत पाओगे हमारे होते हुए? मैं तेरी ऐसी की तैसी गाइस, और फाइनली मैं यार आगे निकलने की कोशिश पूरी कर रहा हूँ। फ्रैंकली भैया जल्दी 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 रेस जीत रही है। हाँ भाई रेस जीत रही है शिंचन, रेस जीत रही है भाई। क्या बात कर रहा है तू भी यार, रेस जीतने के लिए तो उत्सुकता है भाई। अरे फ्रैंकली भैया अगर हार गए तो 4 लाख रुपए गए। अबे शिंचन ऐसी थोड़ी ना 4 लाख रुपए जाने देंगे, तू भी क्या बात करता है। ओके तो गाइस सब लोग मेरे पीछे हैं, लेकिन गाइस जब मैं आपका भाई फर्स्ट नंबर पर आएगी आखिरकार फ्रैंकली भैया पीछे लैप रह जाएगा। फ्रैंकली भैया आगे निकल गए सब लोग। अबे रुक जा भाई रुक जा, जीतेंगे भाई जीतेंगे, अच्छी तरीके से जीतेंगे। फाइनली गाइस रेस जीत चुके हैं भाई, तो गाइस रेस जीत चुके हैं। अरे यार सर आप तो क्या रेस जीते सर। अरे भाई मैंने बोला था ना मैं रेस जीत चुका हूं गाइस, और अब देखो गाइस यार अपना भाई शिंचन पैसे का जुगाड़ हो गया गाइस, वरना का जुगाड़ हो गया इसका मतलब। तो गाइस जितना भी कैश अमाउंट था गाइस यार सारा कैश अमाउंट मेरे को मिल चुका है, और भाई अपनी गाड़ी लेकर के निकल पड़ते हैं। गाइस अगर हमारे पे गाड़ी का कंपटीशन होता था तो हम गाड़ी भी चलाते भाई, मजा आ जाता। और क्या गाइस, तो गाइस यार इस वीडियो में देखा ना किस तरीके से हम लोगों ने गाड़ी भी ले लिया, गाड़ी के पैसे का भी जुगाड़ कर लिया 2 लाख की डाउन पेमेंट से। तो गाइस इस वीडियो से सीखने को मिलता है, क्या सीखने को मिलता है कि पैसा कम हो या कुछ भी, लेकिन गाइस हराम की खाने की आदत कभी नहीं जाती लोगों की। क्या बकवास कर रहा है? अरे यार यही तो सीख है। हाँ यार गाइस बात तो सही है, तो कोई बात नहीं। चलो गाइस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय गाइस, टाटा, टेक केयर।